हाय एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। Hi everyone, we'll just start in a bit. Sorry for the delay. Good evening, guys. Yeah, so welcome to the newsroom. Sorry for the delay. We're just sorting out a few things, and I'm glad to have all of you over here. Am I audible and visible to all of you properly? Is it fine? Sabko properly sunai de raha, dikhai de raha. Cool. So as you know, आज there are a lot of new batches are starting on an academy. So Shaul ji, आज live होने वाला था, but अभी अभी शायद message आया है. One of the course pages live. I think I'm just waiting for the other one to come live now. वो भी live हो जाएगा in a few moment. I think one of the course page is live. The other will be live soon as well. I think the sociology will be live, is almost live now. I think message to I get. But anyway, so as you know, there are new batches starting. So if you have not taken academy subscription yet, please subscription. There are a lot of new batches coming up. Full preparation wale, full proper GS 6th of July se start ho rahe. And then sociology kal se start ho raha hai aapka. Aaj hone wala tha start, but somehow there was some delay due to some technical issues. Sorry for that. So sociology will start from tomorrow, 7 p.m. combined course, paper 1, paper 2 at the same time. It's probably the last batch before this year. I mean, agle saal hi le paunga naya batch. So agar aapne abhi tak subscribe nahi kiya hai, to please do subscribe. Use the code DeepIT10 or Deep27 for subscription. Right? So you'll get instant discount and also get personal mentorship. These are the list of upcoming courses. Indian geography is coming. Abhi ek
एक पेज अभी कोर्स लाइव हुआ होगा जस्ट नाउ, अगर आपने देखा होगा, इट्स अंडर माई प्रोफाइल. माई प्रोफाइल इज गिवन, यू नो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. उसमें नीचे प्रोफाइल में आप देखोगे तो वो जो कोर्स है पॉलिटी वाला, वो है GS टू कंप्लीट पॉलिटी एंड गवर्नेंस. उसमें हम लोग मेन्स ओरिएंटेड टॉपिक को कवर करेंगे, बट दैट विल स्टार्ट अ लिटिल लेटर. दैट इज फॉर पीपल हु आर राइटिंग 2020 मेन्स. तो अगर आप 2020 मेन्स दे रहे हो, इवन इफ अगर 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो यू कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट ऑफ दैट कोर्स. उसमें लास्ट जो चार सेशंस हैं, दोज आर रिलेटेड टू आंसर राइटिंग. लास्ट फोर सेशंस विल बी आंसर राइटिंग इंक्लूडिंग डाउट सेशन स्पेसिफिकली फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस. उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी कोर्स आर ऑल्सो कमिंग. Right, for any updates, you can follow me on Academy. The link is given in the description box below. So do follow that. Right, and you can get all the PDFs and all the discount on subscription by using this code. Right, so I'll share the link of the notes on Unacademy's Articulate YouTube channel and also on my channel. You can follow that on Telegram. Right, so coming to the first bit of information. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन रिगार्डिंग लैंग्वेज. तो आज एक आर्टिकल आया था हिंदू में, उसको हम थोड़ा देखेंगे. दैट आर्टिकल इज एक्चुअली दिस वन विच टॉक्स अबाउट कंपल्सरी असमीज लैंग्वेज इन्फोर्स किया गया है इन द स्टेट ऑफ असम थ्रू एन ऑर्डिनेंस. तो ये एक है जिससे रिलेटेड हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे. एंड स्टेट लैंग्वेज लॉ पॉइंट्स टू होमोजेनाइज नेशनलिज्म टेकिंग ओवर माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल एस्पिरेशंस. तो वैसे तो ये मेन्स ओरिएंटेड टॉपिक भी है, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू नीड टू नो नॉट एग्जैक्टली आर्टिकल्स बट क्या प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग लैंग्वेज. मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, चाहे वो ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके हो, चाहे वो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़ हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो, या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स हो. सो वॉट आर दोज प्रोविजन रिलेटेड टू द लैंग्वेज इन इंडिया, उसको हमें देखते हैं. तो पहले जरा इस एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है. सो अनुराग, आई डोंट वांट टू कमेंट यू नो वेदर इट इज रिटन बाय अ लेफ्टिस्ट और अ राइटिस्ट. द पॉइंट इज दैट ही हैज हाईलाइटेड सम व्यू पॉइंट्स. तो देखो, हमें क्या ट्रिक सीखनी है, हमें ये सीखनी है दैट कैसे वी नेविगेट एडिटोरियल्स रिटन बाय अ सर्टेन सेक्शन. तो भले ही किसी सेक्शन ऑफ द यू नो साइड ने वो आर्टिकल लिखा हो, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो राइटिस्ट हो, हमें तो देखो अपना आंसर में बैलेंस अप्रोच रखना है. सो हाउ डू वी कीप दैट, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप देखोगे इसमें एडिटोरियल में द फर्स्ट थिंग हाईलाइट, सो देन विल कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. फर्स्ट विल सी कि आर्टिकल में नोट करने के लिए क्या है. एज अगेन आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो, जब हमने एनालिसिस किया था नरेगा वाला जो आर्टिकल था, देर ओनली हार्डली देर आर 5-6 लाइन्स दैट आर टू बी रिटन फ्रॉम द आर्टिकल. सो अगर आप देखोगे ये असम गवर्नमेंट वाला जो है, सो आर्टिकल जो लिखा है, सो दैट असम गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू प्रोमल्गेट एन ऑर्डिनेंस मेकिंग असमीज लैंग्वेज कंपल्सरी इन ऑल स्कूल्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंक्लूडिंग केंद्रीय विद्यालय फ्रॉम स्कूल्स क्लासेस 1 to 10th. नाउ द पॉइंट ओवर हियर इज, करने को कर सकते हो आप, स्टेट्स के पास पूरी पावर, यू हैव कंप्लीट प्रोविजंस हैं आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में करने के लिए. द पॉइंट इज व्हाई, द पॉइंट इज व्हाई. अगर आप ऐसे देखोगे तो इवन हर स्टेट का कोई ना कोई तो लैंग्वेज होगी जो उनको लगता होगा दैट कैन दे कैन मेक इट एन ऑफिशियल लैंग्वेज. एंड बट बात ऑफिशियल लैंग्वेज की नहीं है, बात यहाँ पे है कंपल्सरी लैंग्वेज की. आई रिस्पेक्ट असमीज लोग के कंसर्न्स हैं एंड हर किसी के होते हैं हर स्टेट में. देखो हर स्टेट में कोई ना कोई तो इंडिजिनस हो गई. सो द पॉइंट ओवर हियर इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन सेफगार्ड्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन खुद बात करता है अबाउट यू नो इक्वालिटी फ्रटर्निटी. सो आई थिंक पर्सनली वट एवर मे बी द रीजन ऑफ इन्फोर्सिंग असमीज, आई थिंक कंपल्सरी करना इज नॉट अ गुड मूव पर्सनली टू बी ऑनेस्ट. वॉलेंट्री होना चाहिए तो यू नो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है. वॉलेंट्री रहे तो बेटर है, कंपल्सरी कोई भी चीज़ करो ना तो थोड़ा इट गोज अ लिटिल नेगेटिव. सो बट अगेन फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव जैसे मैंने बोला, वील हैव टू कीप इट अ लिटिल मोर बैलेंस्ड. सो द स्टेट गवर्नर हैज ऑलरेडी गिवन अ फॉर्मल असेंट टू कैबिनेट डिसीजन. गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड.
सो जस्ट वॉन्टेड टू शो अलॉट ऑफ यू, जिनको शायद थोड़े इशूज थे, नहीं पता. आई थिंक आप लोगों के लिए है ये. आई थिंक पीपल हु आर सीकिंग सोशोलॉजी ऑप्शनल, इफ यू कैन सी द पेज इज जस्ट अबाउट टू गो लाइव. एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर. ठीक है, अभी के लिए इफ इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू, आई एम नॉट वेरी श्योर इफ इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू, बट या सो स्टार्टिंग 3rd of July, 7 PM, फाइनली. थैंक यू ऑन अकेडमी. सो या अब तो खुश हो जाओ, अब बोल देना आप आपस में. सो अभी 35 लेक्चर्स ऐड किए गए हैं, बाकी लेक्चर्स और ऐड किए जाएंगे. इट्स गोना बी अ कंबाइंड कोर्स, सो इट विल बी लाइव इन इन आई थिंक अ फ्यू मिनट्स. आई थिंक इट्स ऑलरेडी डन, लाइव हो जाएगा. सो नेवरदलेस चलो. हाँ, मेरे को मतलब मुझे जवाब नहीं देना पड़ेगा बार बार. एक्चुअली में दैट्स द रिलीफ फॉर मी. ठीक है, सो द पॉइंट इज लेट्स सी कि व्हाट इनका एक्चुअली व्यू पॉइंट तो समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं ये, और असम गवर्नमेंट के बारे में क्या इन्होंने मतलब जो भी बोला है. तो इनका पॉइंट ये है कि भाई स्टेट गवर्नर ने जो गवर्नमेंट है, गवर्नर हैज ऑलरेडी गिवन अ फॉर्मल असेंट टू द कैबिनेट डिसीजन. हाउएवर द लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द बारक वैली बोडोलैंड काउंसिल एंड अदर सिक्स शेड्यूल एरियाज. सो एज यू नो कि जो आपके ये जो जो आपके लेजिस्लेशन होते हैं सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल के, मैंने आपको सिक्स शेड्यूल में बताया. अगर आपने सिक्स शेड्यूल एरियाज पढ़े होंगे तो सिक्स शेड्यूल एरियाज में पार्लियामेंट्री लॉज के पास पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, और स्टेट लॉज की पावर होती है गवर्नर के पास. बट असम ही इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे सिक्स शेड्यूल में दोनों पावर जो है वो गवर्नर के पास. सो द गवर्नर ने ये स्पेसिफाई कर दिया दैट सिक्स शेड्यूल एरियाज में इनको एप्लीकेबल नहीं करा जाएगा एंड बाकी सारे एरियाज में इट विल बी अप्लाइड. द पॉइंट ही इज ट्राइंग टू मेक इज कि देखो दो तीन चीज़ें हमारे लिए, तो देखो हमें तो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है विच इज़ द मोस्ट सूटेबल वन. ठीक है, तो हमें क्या है, हमें तो इन्फॉर्मेशन निकालनी है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो. हमें कोई मतलब नहीं है, वी डोंट हैव टू गेट इन टू पॉलिटिक्स वट एवर दे आर राइटिंग. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या है विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज, एंड असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दिए ट्राइब्स को लेकर. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दे हैव मैंशन अबाउट द कम्युनिटीज सच एज द मिसिंग्स, देओरीज, राभाज एंड अदर स्मॉलर ट्राइब्स. तो बहुत लोगों को नहीं नाम पता है इनके बारे में, तो कुछ नई चीज़ पता चल गई कि चलो ऐसे भी ट्राइब होते हैं. मान लो मैच द फॉलोइंग में ही आ गया कि विच ट्राइब बिलोंग्स टू विच स्टेट. सो पहली चीज़ तो आपके लिए नोट करने के लिए ही होगी कि दैट दीज ट्राइब्स बिलोंग टू दीज स्टेट्स. उसके अलावा दे आर टॉकिंग अबाउट कि डेटा है इतने लोगों का, इतने स्पीकिंग का, बिकॉज द कंसर्न इन असम इज रिस्पेक्ट टू द बंगाली पॉपुलेशन, जिसकी वजह से थोड़ा वहाँ पे इशू हुआ है. सो दैट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटीज इज कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी रीजन, जैसा इन्होंने इस आर्टिकल में हाईलाइट करने की कोशिश करी है. बट नेवरदलेस वट एवर ही इज ट्राइंग टू से वी डोंट हैव टू गेट इन टू दैट ट्रैप एज लाइक द एग्जामिनर ऑल्सो सेट अ ट्रैप. तो हमें उस ट्रैप में नहीं फंसना है. द पॉइंट इज दैट द नंबर ऑफ एसएमई स्पीकर एज पर 2011 सेंसस 48.38 ऑफ द पॉपुलेशन, 71% वो 16.89. सो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे नंबर ऑफ जो एसएमई स्पीकर है उनकी पॉपुलेशन कम हुई है फ्रॉम 60% टू 48.38%. दैट इज प्रीटी लेजिटिमेट. तो अब उन्हीं चीज को इन्होंने यहाँ पे कंसर्न दिया. बट उनका पॉइंट ये है कि आपका कंसर्न ठीक है बट इट शुड नॉट बी मेड कंपल्सरी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द मिसिंग ट्राइब विच आई बिलोंग टू अ लार्ज मेजोरिटी स्पीक असमीज. दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ स्कूल एजुकेशन बट मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट असमीज इज द डोमिनेंट मार्केट लैंग्वेज एटलीस्ट इन द ब्रह्मपुत्र वैली. तो ये एक अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है इन्होंने, बोला है कि बट द डेटा नीड टू बी लुक्ड, इट हैज टू नोटेड दैट द मोस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज स्पीक असमीज बट रिटर्न देयर ओन रेस्पेक्टिव लैंग्वेज रिटेन देयर ओन रेस्पेक्टिव लैंग्वेज देयर मदर टंग्स. दैट इज अ गुड पॉइंट. इन फैक्ट वॉट ही ट्राइड टू हाईलाइट इज कि इन स्पाइट ऑफ यू नो दे हैव दे ओन नेटिव लैंग्वेज है उनका, उसके बावजूद भी वो एसमीज बोलते हैं बिकॉज एसमीज इज अ कॉमन लैंग्वेज, मार्केट लैंग्वेज है. मतलब आम यू नो दिनचर्या में, आम दिनों में, मतलब और मार्केट में, या फिर अगर आप देखो ऑफिशियली बात करने में जैसे लोग आपस में बात करते हैं उसमें एसमीज इज द मोस्ट कॉमन, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ट्राइबल लैंग्वेज में और कोई समझ नहीं पाएगा. बट पॉइंट कंसर्न इज मेकिंग इट कंपल्सरी. द क्वेश्चन इज कंपल्सरी करना कितना लेजिटिमेट या जायज़ है. So imposition of SMEs had adverse effect on tribal languages, especially on those which do not enjoy any constitutional protection. I think this is a valid point, personally speaking, कि जब आप कोई language को compulsory करते हो, impose करते हो, तो उसकी जो indigenous language है वो threaten हो रही है, especially अगर उसको कोई protection नहीं मिल रहा हुआ. Even though we have officer or linguistic minorities है और बहुत सारे protection है, but एक चीज़ जो है problematic कि वो शायद दूसरी specially tribal languages को threaten कर सकता है.
आई कैन अग्री विद दिस पॉइंट पर्सनली स्पीकिंग. आप में से कितने लोग करते हो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट एक चीज़ तो है कि देखो ये तो है अगर प्रोटेक्शन नहीं है बाकी सारी लैंग्वेजेस को, बाकी क्या है नहीं है पॉलिटिक्स वी डोंट हैव टू गेट इनटू दोस थिंग्स. अब जैसे उन्होंने डेटा दिया हुआ है बाकी सारी लैंग्वेजेस के लिए, वी डोंट हैव टू गेट इनटू दैट, वी डोंट हैव टू राइट दीज मेनी डिटेल्स, कोई जरूरत नहीं नोट करने की इसको, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने सेंसस डेटा दिया हुआ है, अगेन इन्होंने सेम चीज़ दी हुई है कि यहाँ पे ऐसा हुआ है, रिस्पॉन्स टू द स्ट्रगल बाई द मिसिंग कम्युनिटी थ्रू गजट नोटिफिकेशन इंट्रोड्यूस द मिसिंग लैंग्वेज एज एन एडिशनल सब्जेक्ट इन क्लास 3 एंड क्लास 4 इन मिसिंग डोमिनेटेड एरियाज. तो हर जगह स्टेट में ट्राइबल्स को भी प्रोटेक्शन के लिए प्रॉपर प्रोविजन किए गए हैं. बट वही है कि ये वही चीज़ बोल रहे हैं कि इससे क्या होता है कि जब आप कंपल्सरी करते हो तो डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो आपका जो ट्राइबल लैंग्वेज है उनको हार्म करता है, ठीक है. सो इसमें इन्होंने यही चीज़ हाईलाइट करी. उसके अलावा इन्होंने एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, अब जैसे उसमें बाकी सारी चीज़ें नोट करने की नहीं है. फॉर एग्जांपल ही हैज मेंशन अबाउट द सीए फैक्टर दैट एंटी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो एक वेव चला था उसमें उन्होंने बोला दैट हैज अ पॉइंट बीन मेड अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर इन द असमीज नेशनलिज्म डिस्कोर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मूवमेंट अ न्यू डेफिनेशन ऑफ असमीज इंडिजिनस वाज सीन इमर्जिंग. द डेफिनेशन वाज इंक्लूसिव ऑफ ट्राइबल एंड अदर नॉन असमीज कम्युनिटीज एंड वाज बेस्ड ऑन डोमिसाइल रादर देन लैंग्वेज अलोन. डिमांड्स वर रेज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनस लैंड कल्चर. However, the core of the movement was also the fear of infiltration that the CA will promote. Such fear and insecurity have an imminent tendency to straitjacket heterogeneous aspirations. तो ये जो यहाँ पे जो उन्होंने पोर्शन पे हाईलाइट करने की कोशिश करी है वो ये बता रहे हैं कि जो सी ए का जो एंटी सी ए प्रोटेस्ट भी हुए थे वो इसीलिए हुए थे क्योंकि एक तरीके से आपकी लैंग्वेज को तो प्रोटेक्ट कर रहे हो आप, बट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एक 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 ये प्रोविजन था जो लोगों को लगा कि शायद एनआरसी के बाद जिन लोगों को नहीं मिली है सिटीजनशिप उन्हें थ्रू सी ए सिटीजनशिप मिल जाएगी. बट वो अनकॉल फॉर है क्योंकि अभी तो देखो एनआरसी का ही प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ. तो अभी इसको लाने का मतलब आप एक बात समझो, ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब बहुत कोई ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस प्रोविजन के बिना कोई चीज़ नहीं हो सकती, मतलब देर इज एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर ब्रिंगिंग एन ऑर्डिनेंस की ये लॉ बहुत ज़रूरी है. बट आई डोंट नो कि आई थिंक आप लोग भी बेटर समझ सकते हो उस चीज़ों में कि इसमें इसको लाना अभी कितना ज़रूरी था. आई थिंक देयर वर मच अदर प्रेसिंग इशूज़ देन ब्रिंगिंग समथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज राइट नाउ. तो वो पॉइंट इन्होंने भी वही पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश करी है दैट बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे मैटर करती हैं, दैट व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द प्रेसिंग नीड ऑफ ब्रिंगिंग दिस लेजिस्लेशन राइट नाउ थ्रू एन ऑर्डिनेंस. तो ऑर्डिनेंस क्यों इशू किया गया वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. अगर आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे इशूज हाईलाइट हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ ऑर्डिनेंस. इंडिया में मोर देन 8-10 ऑर्डिनेंस इशू हो चुके हैं, आपको पता भी नहीं है सारे के सारे ऑर्डिनेंस कौन से इशू हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा कॉमन इंसान पे. तो वो चीज़ एक कंसर्न है और ये हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑर्डिनेंस इज अ स्पेशल स्पेशल पावर जिसको क्राइसिस के टाइम पे यूज़ किया जाता है और जिस तरीके से अभी यूज़ हो रहा है बात सही है कि अभी क्राइसिस है, पार्लियामेंट कैन नॉट मीट एंड कुछ नहीं पास कर सकते, बट आई थिंक लेजिस्लेशन नहीं पास कर सकते बट एटलीस्ट सिटिंग तो कर सकते हैं. आप जूम कॉल भी बुलाओ, आप किसी भी बुलाओ, मतलब बहुत सारे आप इंडिजिनस ऐप्स हैं, सिस्को मीटिंग का है, अडोबे का है, आप यूज़ करो. अभी भी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रगति यूज़ करके करते हैं ना मीटिंग, इतने सारे लोगों से तो हो ही रही है. तो क्या हम बैचेस में पार्लियामेंट को नहीं बुला सकते, कोई मतलब नहीं कर सकते? एक्चुअली में तो बुलाना चाहिए बिकॉज यू आर ऑल्सो अ पब्लिक सर्वेंट, यू आर ऑल्सो डूइंग अ पब्लिक ड्यूटी, बट एनी वे यू गेटिंग सैलरी फॉर नथिंग. तो ये भी तो सोचो ना, ऊपर से आप लोग के पास ना एमपी लैड फंड है ना एमएलए लैड फंड है. तो द पॉइंट इज कि देर आर अदर वेज ऑल्सो ऑफ डूइंग थिंग्स. द पॉइंट जो यहाँ पे इन्होंने दो, देखो मैं पूरे आर्टिकल से अग्री नहीं करता बट I do agree with the point there was no need of press, there was no pressing need of bringing in an ordinance for this. ठीक है, so उसके अलावा एक और जो problematic provision ये है कि Home Minister जो है Assam State के वो ये बोल रहे हैं कि शायद separate legislation लेके आएंगे जहाँ पे जिन्होंने Assamese ही आती होगी उन्हें वही सिर्फ government job के लिए बैठ सकते हैं. I think That is a little detrimental. Now this is a regressive step. Why? Because ऐसा तो फिर हर स्टेट इंडिया में कुछ ना कुछ करेगा. फिर हर स्टेट बोलेगा कि जैसे बिहार में बोलेंगे भाई आपको मैथिली आती तभी आप बैठ सकते हो, यहाँ पे यूपी में बोलेंगे भाई आपको ब्रिज भाषा आती है या ये भाषा आती है तो आप बोल सकते हो, मराठी महाराष्ट्र में फिर बोलेंगे अगर आपको मराठी आती देन ओनली यू कैन अपियर फॉर एग्जाम. तो वो थोड़ा उसके स्पिल ओवर इफेक्ट अच्छे नहीं होंगे. तो पॉइंट ये है, तो वो थोड़ा नॉन इंक्लूसिव हो जाता है स्पेशली वेन यू टॉक अबाउट एन इंटेग्रिटी यू नो. और फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट भी बड़ा यहाँ पे इंडिया में थोड़ा अलग है. इट्स नॉट लाइक यू हैव अ सेकुलर, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव अ सेपरेट वाटर टाइट कंपार्टमेंट फेडरलिज्म. इंडिया में यू हैव प्रॉपर इंटीग्रेशन, आपकी आर्टिकल 19 भी वायलेट होगा, फ्रीडम टू यू नो रिजाइड एंड सेटल इन एनी स्टेट.
फिर लोग कैसे कैसे सेटल होंगे दूसरे स्टेट में, बिकॉज एवरीबडी विल बी थिंकिंग कि यार मेरा तो नेटिव लैंग्वेज है ही नहीं तो मैं कैसे करूँगा. तो वो थोड़ा आई थिंक उसके खिलाफ जा सकता है और ये दूसरे स्टेट्स फिर इसको मिसयूज करेंगे. तो वो चीज़ आई थिंक अगर ये चैलेंज भी हो जाएगा तो कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगा. ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ये, क्योंकि देखो PIL तो फाइल होगी होगी, देयर इज नो देयर इज इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि PIL फाइल होगी. अगर PIL फाइल होगी तो आई थिंक ये वाला प्रोविजन जो है वो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है. तो ये चीज़ थी जो मेंशन थी आर्टिकल में, आई थॉट मैं इसको पिकअप करूंगा, मुझे ठीक लगा था आर्टिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू. बट अगर आप देखोगे ज़्यादा नोट करने की चीज़ें नहीं है, दो तीन चीज़ें वहाँ पे नोट करने की थी जो मैंने आपको बताया. उसके अलावा ये जो कुछ पॉइंट है हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हमें ध्यान रखना है. जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 29 जो है ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, उसके बारे में बात करता है. तो हमारे यहाँ पे लैंग्वेजेस को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है वो हमें पता होना चाहिए. तो एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम. तो आई थिंक ये जो 29 में जो फंडामेंटल राइट जो मिली हुई है प्रोटेक्ट करने की, आई थिंक ये ट्राइबल्स को भी है, हर किसी को है, इंडिजिनस को भी है, इवन एसएमईज को भी है, हर किसी को है. तो उस अगर आप नजरिए से देखोगे तो अगर आप किसी के ऊपर इम्पोज करते हो लैंग्वेज तो उसकी फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया. आई थिंक एवरीबडी कैन अग्री. मतलब आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जो असैम्स हैं एंड हर किसी के अपने अपने कंसर्न्स हैं, बट इफ़ यू आर फ्रॉम असैम लाइक आई एम आस्किंग यू डायरेक्टली इन द क्लास, लाइक आप कॉमेंट कर सकते हो मेरी क्लास में. आई बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच. वॉट डू थिंक, लाइक डू यू थिंक कंपल्सरी जो लैंग्वेज है इन्फोर्स करना, इज़न्ट इट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 29? बिकॉज अगर आप कंपल्सरी करोगे तो हमें इमीडिएट उसका इफेक्ट नहीं दिखता, बट शायद आने वाली जनरेशन पे उसका इफेक्ट होगा और जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है वो शायद थ्रेटन हो. व्हाट डू यू थिंक, आप क्या आपको लगता है ऐसा है? मतलब कॉमेंट्स में बता सकते हो आप लोग. आई मीन आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस, बिकॉज यू नो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो थोड़ा डिबेट एंड डिस्कशन में भी थोड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है, बिकॉज दैट इज हाउ योर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग. तो आपके ना ओपिनियन बनते हैं एंड वी स्टार्ट फ्रेमिंग ओपिनियंस, दैट इज हाउ यू राइट एन आंसर इन एन एग्जाम. So Anurag and a lot of people, Debashri and a lot of people are from Northeast, especially Assam. What do you think of this? I think it's a violation. मतलब आप force मत करो किसी को. I mean जिसको करना है आप protection के लिए देखो, conserve करने के लिए, protection करने के लिए आप measure उठाओ. But I think so compulsory करना थोड़ा it will be a little problematic. या सो ठीक है. आई मीन आप लोग के जो भी ओपिनियन हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. सो आई वुड लव टू नो योर फीडबैक, लाइक लव टू नो योर व्यू पॉइंट्स इन फैक्ट रादर देन फीडबैक, कि आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में. सो फिर उसको हम लोग कल पिकअप करेंगे, विल सी द डिबेट कैसे कर सकते हैं इसको. आर्टिकल 30 के बारे में आते हैं तो वो भी आपका एक जो है माइनॉरिटीज एंड टू एस्टैब्लिश एंड मिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है. उसके अलावा आप आ जाओ बहुत सारे आर्टिकल हैं. आर्टिकल 120 लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, मैंने बताया आपको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज. आर्टिकल 343 जो है वो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. 344 बात करता है कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट. आर्टिकल 345 बोलता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट के बारे में बात कर रहा है. 346 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अदर बिटवीन स्टेट एंड द यूनियन. 347 बात कर रहा है स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन एंड पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट. 348 बोल रहा है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. 349 बात कर रहा है अबाउट procedure for enactment of certain laws related to language. 350A बोल रहा है for instruction in mother tongue. अभी recently केरला में केस हुआ था इसको लेके, instruction in mother tongue वाले को लेके at primary stage. And 350B बहुत important constitutional body है आपकी, officer for linguistic minorities. So there shall be a special officer for linguistic minorities to be appointed by the president. और 351 बात करता है कि development of Hindi language की responsibility union government की होनी चाहिए. तो आप देखो इतने सारे प्रोविजंस जो हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज रिलेटेड हैं. इसके अलावा एक दो और भी हैं जो हैं, बट आप देखो इतने सारे प्रोविजन दे जस्ट डील विथ लैंग्वेज ओनली. सो जस्ट गिव इट अ ग्लैंस वंस, एक बार नोट्स देख लेना आप लोग जो मैंने पढ़ाए यहाँ पे एंड थिंक अबाउट कि क्या होना चाहिए. डू थिंक अबाउट, देखो
थिंकिंग पॉइंट होना चाहिए अबाउट ऑर्डिनेंस का यूज़, क्या जरूरी था ऑर्डिनेंस यूज़ करना अभी, क्या प्रेसिंग था अभी इसको लाना, क्या जरूरत थी अभी इसको लाने की. दूसरा, शुड इट बी मेड कंपल्सरी. तो आपके आपको क्या लगता है इन दोनों चीज़ों के बारे में, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो विच विल डिस्कस टुमारो. आगे बढ़ते हैं. तो उसके अलावा एक स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए और इशू की गई है आपके डिफरेंट डिफरेंट NBFC को कैटेगराइज करके एक लिक्विडिटी स्कीम इंट्रोड्यूस की गई. बिकॉज एज यू नो कि आज के टाइम पे इकोनॉमी इज डाउन बिकॉज ऑफ कोविड, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें फंड्स नहीं मिल पा रहे हैं, लोन का साइकिल स्टार्ट कराना है. सो अंडर दिस एक स्पेशल पर्पज व्हीकल सेटअप किया जाएगा दैट वुड बी यू नो दैट वुड मैनेज अ स्ट्रेस्ड एसेट फंड ऑफ द NBFC एंड द SPV जो स्पेशल पर्पज व्हीकल है इट विल इशू सिक्योरिटीज विच वुड बी गारंटीड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो सॉवरिन गारंटी होगी इस पर जो ये सिक्योरिटीज इशू किए जाएंगे इसके अंदर में. तो एलिजिबिलिटी कौन क्या होगी इसके अंदर, तो एलिजिबिलिटी होगी दैट इनके पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनके NPA नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट हैव एनी नेट NPA ऑफ मोर देन 6% एज ऑफ 31st March 2019 एंड दे शुड हैव मेड नेट प्रॉफिट एंड एटलीस्ट वन ऑफ द लास्ट टू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स. उसके अलावा दे शुड नॉट हैव बीन रिपोर्टेड अंडर SMA 1 और SMA 2 कैटेगरी और बाई एनी बैंक फॉर देयर बोरिंग ड्यूरिंग द लास्ट वन ईयर प्रायर टू 1st August. अभी SMA 1, SMA 2, SMA क्या होता है, SMA 0 उसमें आपको बताता हूँ. ये थोड़ा नया क्लासिफिकेशन है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में. तो ब्लैंक्स क्या करते हैं, जो बॉरवर्स होते हैं ना उनको अलग अलग कैटेगरी में स्पेसिफाई करते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स बोलते हैं उनको, कि कितना डिले कर रहा है कोई पेमेंट में. तो SMA 0 लोन्स वो होते हैं जो 1 से 30 दिन तक आपके ओवरड्यू होते हैं, कि 30 दिन तक आपका पेमेंट नहीं आया. SMA 1 होते हैं दैट आर ओवरड्यू बिटवीन 31 to 60 और SMA 2 होते हैं दैट आर ओवरड्यू बिटवीन 61 to 90 days. तो एसेट NPA हो जाता है अगर 90 डेज तक ओवरड्यू हो, आपका ओवरड्यू हो तो 90 डेज बाद जो है आपका एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देते हैं. और उसके पहले 0, 1, 2 में क्लासिफाई किया जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट बोलते हैं कि भाई ये थोड़े रिस्क वाले लग रहे हैं आपके लोन्स. सो नो, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वॉट आर दीज SMA 0, SMA 1 और SMA 2 अकाउंट क्या होते हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट है एक्सेलरेट विज्ञान करके एक स्कीम आई है. सो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है सर्व करके, उसने लॉन्च किया है ये एक्सेलरेट विज्ञान टू स्ट्रेंथन साइंटिफिक रिसर्च मैकेनिज्म इन द कंट्री. तो इसका ऑब्जेक्टिव, इसमें आप देखोगे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो बहुत ध्यान रखने वाली, जैसे अभ्यास प्रोग्राम क्या है, ये सम्मोहन क्या है, संयोजिका क्या है, इस पे ध्यान देना आपको जरूरी है जो एग्जाम के लिए. तो मेन ऑब्जेक्टिव अगेन जैसा आपको बताया साइंस एंड इंजीनियरिंग और एक्सेलरेट विज्ञान, मतलब विज्ञान मीन साइंस, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना और डेवलप करना इसका ऑब्जेक्टिव होगा. तो इसमें क्या होगा, टू गिव मोर थ्रस्ट ऑन एनकरेजिंग हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रिपेयरिंग साइंटिफिक मैन पावर विच कैन लीड टू करियर इन रिसर्च एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. उसके अलावा टू एक्सपैंड द रिसर्च बेस विद 3 broad goals. पहला होगा कंसोलिडेशन एग्रीगेशन ऑफ ऑल साइंटिफिक प्रोग्राम, इनिशिएट करना वर्कशॉप, हाई एंड टेक्नोलॉजी वर्कशॉप एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च इंटर्नशिप्स. तो ये 3 major ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके इस प्रोग्राम के. अब इसके अंदर 2 component है मेजर, एक है अभ्यास प्रोग्राम और दूसरा है संयोजिका. तो अभ्यास के अंदर है कार्यशाला, ठीक है, एज यू नो रिसर्च इंटर्नशिप हाई एंड वर्कशॉप होगी इसके अंदर, और एक है वृत्तिका. सो दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर दोज यू नो रिसर्च इंटर्नशिप या वृत्तिका और हाई एंड वर्कशॉप है आपके कार्यशाला. तो दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर दोज रिसर्चर्स हु हैव लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज एक्सेस टू फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. सम्मोहन हैज बीन सब डिवाइडेड इंटू संयोजिका एंड संगोष्ठी. संयोजिका इज एन ओपन एंडेड प्रोग्राम टू कैटलॉग द कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्टेड बाई गवर्नमेंट फंडिंग. और संगोष्ठी क्या होता है, वर्कशॉप होता है ना, संगोष्ठी आयोजन किया गया संगोष्ठी का, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना. तो 2 component इसके अंदर एक्सेलरेट विज्ञान के अंदर, अभ्यास प्रोग्राम और दूसरा है आपका सम्मोहन. तो अभ्यास के अंदर कार्यशाला है और वृत्तिका है, और सम्मोहन के अंदर है संयोजिका एंड संगोष्ठी. सो रिमेम्बर दिस अंडर एक्सेलरेट विज्ञान प्रोग्राम.
ठीक है. सो वृतिका, या वृतिका, इट्स योर नेम वृति एंड विल एड के ए टू यू, सो वृतिका, गुड, इट्स इन योर नेम. उसके अलावा दो न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई डिस्कवर किए गए. आजकल यूपीएससी की आदत होगी ऐसे क्वेश्चन पूछने की, थोड़े फैक्चुअल टाइप इन दी एग्जामिनेशन. सो टू न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई, स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक एंड इलूसिव प्रिंस इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट वैसे भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्स स्पीशीज मिलते हैं चांगलांग एरिया में. तो ये जो है पहली जो बटरफ्लाई, इसका नाम है स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक, ऐसा लग रहा है हेयर, मतलब स्ट्राइप्ड हेयर जैसे जीब्रा टाइप लग रही है. साइंटिफिक नेम है यामा मोतो जाइफरस क्वांगतू जेनेसिस, फाउंड इन विजयनगर विलेज ऑफ चांगलांग. विजयनगर एम्पायर से कन्फ्यूज मत करना, विजयनगर वॉज अ नेम ऑफ सिटी ऑल्सो और एम्पायर भी था, बट ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, विजयनगर विलेज ऑफ चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, म्यांमार के बॉर्डर पे. और इट वॉज सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दी लेपिडो टेरिस्ट, लेपिडो टेरिस्ट जो होते हैं वो जो बटरफ्लाई को स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं. एंड इस जीनस इज डाइवर्सिफाइड इनटू सेवरल जीनर एंड दस डिफिकल्ट टू ट्रेस, मल्टीपल सब डिविजन है इसके जीनस के. इट वॉज फर्स्ट रिकॉर्डेड इन हेनान प्रोविंस ऑफ चाइना, इट इज ऑल्सो फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका इन दी रॉकी माउंटेन्स. बड़ा ही डाइवर्स हैबिटेट है, रॉकी माउंटेन्स इन US टू हेनान प्रोविंस इन चाइना टू अरुणाचल प्रदेश. तो स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक. और दूसरी वाली जो उसका नाम है एल्यूसिव प्रिंस, ये गायब रहती है. तो एल्यूसिव मतलब होता है ना, व्हेन समबडी इज एल्यूसिव तो वो गायब ही रहता, दिखता नहीं, बहुत जल्दी मिलते नहीं. तो दिस इज एन एल्यूसिव प्रिंस. सो साइंटिफिक नेम जो है एल्यूसिव प्रिंस इज द सेकंड वन. एक्चुअली थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गया, आई थिंक ये दूसरा वाला ही हो गया है, अभी कोई बात नहीं. द सेकंड स्पीशीज, जस्ट फॉरगेट दिस वन, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया आई थिंक, ये स्लाइड में कुछ एरर है, इग्नोर द एरर. सो द फर्स्ट वन इज स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक एंड द अदर वन इज एल्यूसिव प्रिंस. तो एल्यूसिव प्रिंस भी जो, ये भी इंडिया में मिलती है, इसका हैबिटेट है. उसके अलावा आप देखोगे इट इज़ अगेन फाउंड इन वियतनाम. एक्चुअली में ये जो है एल्यूसिव प्रिंस, ये वियतनाम में मिलती है और इंडिया में भी इसको पाया गया. सो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको जाने दें आप लोग. एनीवे, उसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर 29.53 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ दोदामार्ग फॉरेस्ट रेंज इन द सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट एज तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व. तो यहाँ पे आप देखोगे तिल्लारी जो है इसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया. अगर आपको मैप दिख रहा है तो ये महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स में आप देखोगे तो सिंधु दुर्ग के पास ये तिल्लारी कंजर्वेशन रिजर्व एक सेटअप किया गया. सो तिल्लारी इज द सेवेंथ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इन द स्टेट टू बी डिक्लेयर्ड एज कंजर्वेशन रिजर्व. द एरिया कवर्स 9 विलेजेस इन द फॉरेस्ट रेंज, इज नोन टू सर्व एज अ कॉरिडोर एंड इवन एज अ हैबिटेट फॉर द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स एंड एलिफेंट्स. तो कंजर्वेशन रिजर्व एक तरीके का ब्रिज की तरह काम करता है. इट्स लाइक यू नो टाइगर्स एंड एलिफेंट्स और जितने भी एनिमल्स हैं यहाँ पे इसको यूज करते हैं टू pass on from one area to another area and basically like a corridor, it is used like a corridor. और अगर आप देखोगे तो जो animals हैं गोवा कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के बीच में move करते हैं वो इसको use करते हैं. तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि इसको protect करके रखा जाए. तो ये area को conservation reserve में डाल दिया गया है ताकि थोड़ा इसमें ध्यान रखा जाए. It connects महादेवी sanctuary in गोवा एंड भीमगढ़ इन कर्नाटका. It has semi evergreen forest, tropical moist deciduous forest and a number of unique trees, butterflies and flowers. काफी इंटरेस्टिंग है ये. बट देयर वाज समथिंग व्हिच आई फाउंड ऑन द इंटरनेट, आई वांटेड टू शो इट टू ऑल ऑफ यू गाइस. मैं दिखाता हूँ आप लोगों को एक सेकंड. एक बहुत ही नेशनल ज्योग्राफिक ने बड़ा ही अच्छी सी फोटो शेयर करी है, तो मैं चाहता था कि आप लोग को दिखाऊं बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी नो अबाउट दीज थिंग्स. मुझे मैं याद था कि मैं आज लेक्चर में दिखाऊंगा बट समहाउ आई मिस्ड इट. तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट शो यू गाइस. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इमेज. It was actually clicked by a photographer for National Geographic or India mein aaye the wo, and it's a very beautiful pic. Let me show you.
Can everybody see this image? Sabko dikh rahi hai ali? Image. Can everybody see this? This is a clouded leopard. Yes, Anirudh, absolutely correct. Yes, I think notification aa gaya hoga aapko. It was a very, very, very beautiful image. Clouded leopard, clicked by a National Geographic photographer. और बहुत ही अच्छी चीज़, मतलब देखो कभी कभी क्या होता है, अगर आप सोशल मीडिया का ढंग से यूटिलाइज करोगे तो यू गेट टू नो सो मेनी थिंग्स जो शायद आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी. और मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है द क्लाउड लेपर्ड. अब मैं बताता हूँ, देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट बिकॉज क्लाउड लेपर्ड का कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में. तो समटाइम्स यू फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स इन सोशल मीडिया. तो नेशनल ज्योग्राफिक के फोटोग्राफर हैं स्टीव विंटर, उन्होंने इसको क्लिक किया था. उन्होंने बताया दैट इज वन ऑफ द एशियाज लीस्ट नोन कैट्स और बहुत ही शाई स्पीशीज होते हैं. जल्दी ना आपको पता नहीं चलेगा इनके बारे में. यू कांट यू नो इनको आप जल्दी पकड़ नहीं पाओगे, इनको दिखते नहीं है और इनको स्पॉट करना भी बड़ा डिफिकल्ट काम है. तो जो आपका ये क्लाउडेड लेपर्ड है ये ना वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कैट स्पीशीज है, बट इसके पॉज बहुत बड़े होते हैं. दे हैव अ वेरी ह्यूज कैनाइन टीथ, वन ऑफ द बिगेस्ट टीथ्स होते हैं इनके कैनाइन. तो वही चीज़ उन्होंने हाईलाइट किया है इसमें. वेरी इंटरेस्टिंग दे हैव मेंशन्ड इज दैट इज वन ऑफ द एशियाज लीस्ट नोन कैट्स ट्रिगर्स अ कैमरा ट्रैप. तो ये कैमरा ट्रैप सेटअप किया गया था, उसमें इसकी पिक्चर कैप्चर की गई है. और दे आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. अंटिल रिसेंटली वी न्यू ऑलमोस्ट नथिंग अबाउट दिस स्पीशीज. दे आर कंपैरेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अदर कैट्स. इन फैक्ट दे फॉलोड अ डिफरेंट इवोल्यूशनरी पाथ फॉर्मिंग अ लिंक बिटवीन द बिग एंड द स्मॉल कैट. तो एक्चुअली में क्लाउड लेपर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर इकोसिस्टम क्योंकि जो स्मॉल डोमेस्टिक कैट्स हैं और जो बड़े बिग कैट्स हैं लाइक चीता लायन, उनके बीच में ये ब्रिज की तरह काम करता है. तो ये इट्स एन इंटरमीडिएट स्पीशी, ये अलग तरीके से इवॉल्व हुए हैं. And they are also they're almost ape-like in appearance, having massive paws and short legs. तो देखो इनके पैर बहुत छोटे हैं but paws बहुत बड़े हैं, इनके पंजे बहुत बड़े हैं, पैर लेकिन छोटे से हैं. आपको छोटी सी बिल्ली लग रही है but है बहुत बड़ी. And they lend themselves to a largely arboreal tree life. What's even crazy is that they have the longest canine relative to their bodies, making them modern in saber-tooths. तो इनकी बॉडी के साइज के हिसाब से इनका जो canine teeth है वो बहुत बड़ा है. तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी. ये सिर्फ या तो वही बता सकता है जिन्होंने देखा हो या फिर जो वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट हो, फोटोग्राफर हो या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हो. तो ये जो आपके ये क्लाउडेड लेपर्ड होते हैं दे आर एबोरियल. एबोरियल मीन्स दे लिव इन ट्रीज मोस्टली एंड दे आर वेरी वेरी शाई. और दूसरी बड़ी दो तीन, तो हमने क्या दो तीन नई चीज़ें सीखी इनके बारे में कि इनके पॉज बहुत बड़े हैं एज कम्पेयर टू देयर लेग्स एंड as compared to the body size इनके canine teeth बहुत बड़े हैं and they are very shy and elusive creatures. तो अभी हमने वो elusive prince की बात करी तो मुझे याद आया कि these are also very elusive species. तो sometimes you can get really good information on social media. Instagram सिर्फ photo डालने के लिए नहीं होती है, Instagram can also be used for some of these amazing bit of knowledge and piece of information. ठीक है, तो NASA की भी देखो कभी आप, कुछ कुछ galaxies की बहुत अच्छी अच्छी photo देखने को मिलती हैं. चलिए, उसके अलावा सेंट्रल जो है जू अथॉरिटी को रिफॉर्म किया गया है अभी रिसेंटली. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने जो है रिकंस्टिट्यूट किया है सेंट्रल जू अथॉरिटी को. उसमें एक एक्सपर्ट को ऐड किया गया है फ्रॉम द स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एंड एक मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट, दो मेंबर्स को ऐड किया गया है. तो इस CZA के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा. तो ये स्टैचुटरी बॉडी है, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर डाला गया था. एंड you know, it is chaired by Environment Minister and has 10 members and a member secretary. Main objective of the authority is to complement and strengthen the national efforts in conservation of rich biodiversity. So main ka kaam hota hai, you know, recognition to zoos dena and regulate karna jitne bhi zoo hai India mein and lays down guidelines and prescribes rules under which animals can be transferred among zoos nationally. It coordinates and implements programs on capacity buildings of zoo personnel. So that is why it is important. बाकी कल नेशनल डॉक्टर्स डे था, हमने बात भी करी थी इसके बारे में बट जानना जरूरी है कि क्यों था. सो डॉक्टर BC रॉय, ठीक है, विधान चंद्र रॉय, बहुत ही फेमस भारत रत्न अवार्डी है, उनके नाम पे था. तो नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज द इनवैल्यूएबल वर्क डन बाय द डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस. सो आई थिंक कोविड के बाद से ये तो लोगों को रियलाइज हो गया कि इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड आर नॉट एक्टर्स एंड एवरीथिंग एल्स जो हम अज्यूम करके रखते हैं. आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ आर डॉक्टर्स, योर स्वीपर्स, यू पीपल हु आर वर्किंग फॉर म्यूनिसिपैलिटी. आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे. तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था कि कोविड ने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज करा दी हैं लोगों को. सो डॉक्टर BC रॉय जो है, वॉज बॉर्न ऑन 1 जुलाई इन पटना
and he passed away in Calcutta, Kolkata, and he was also the chief minister of West Bengal. So served as a physician, freedom fighter, educationist, and a politician. He was a follower of Brahmo Samaj. Civil disobedience movement ko follow kiya tha, led bhi kiya tha Bengal mein 1930 mein. He served as a physician to Mahatma Gandhi and was also elected as the second chief minister of West Bengal. Or I personally know, matlab personally mujhe kyun yaad rehta hai inke bare mein, because I played when I was in, jab maine apni story batai thi aap log ko in my session on an academy summit. So when I played football at the school level, so Dr. B.C. Roy trophy hoti thi, bahut famous, abhi bhi hoti hai football. So I participated in it, so I remember, kyunki ek bahut hi significant trophy mani jati hai football competition mein, Dr. B.C. Roy trophy. तो वो उस वजह से मुझे हमेशा याद रहता था. सो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ फाइव एमिनेंट सिटीज, दुर्गापुर, कल्याणी, विधान नगर, अशोक नगर एंड हाबरा. द गवर्नमेंट ऑनर्ड हिम विद भारत रत्न इन 1961. फर्दर द बीसी रॉय नेशनल अवार्ड वन स्टूडेंट 1976 टू वर्क इन द एरिया ऑफ मेडिसिन, पॉलिटिक्स, साइंस, फिलोसफी, लिटरेचर एंड आर्ट्स. सो डॉक्टर बीसी रॉय के एनिवर्सरी पे वी सेलिब्रेट नेशनल डॉक्टर्स डे, राइट? सो दिस इज इट फॉर टुडे, डन. इतना ही है बस करंट अफेयर्स में आज के लिए. इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको. बाकी पीडीएफ आपको अन अकेडमी के आर्टिकुलेट चैनल पर मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, यू नो द नेम इटसेल्फ, राइट? नहीं मिलेगा तो आप मेरा नाम सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, यू विल फाइंड द लिंक. ऑलराइट, सो बाकी मिलेंगे 9 बजे पॉलिटी क्लास के लिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चन डू रीच आउट टू मी, राइट? और लैंडफॉर्म्स जो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, लैंडफॉर्म्स पर भी एक क्लास ले लेंगे. मैपिंग करेंगे, डोंट वरी, हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि वी विल टेक अप अ मैपिंग ऑल्सो ऑन, सो न्यूज़ रूम में इंक्लूड कर लेंगे. न्यूज़ रूम में ही वी विल सम डे टेक अप मैपिंग, वी विल टेक अप समटाइम्स यू नो समथिंग लाइक लैंडफॉर्म्स को पिक कर लेंगे, ठीक है? समटाइम्स इट्स गुड टू यू नो सी थ्रू वीडियोज एंड जिफ्स. चलो गाइज, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून, आई विल सी यू ऑल टुमारो, एंड 9 बजे मिलेंगे फॉर द पॉलिटी क्लास. टिल देन नेक्स्ट टाइम, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लो, ठीक है? And new batches start today, so that you don't miss.